बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, इन्होंने बेसिकली एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है वो कंप्राइज किया हुआ है। इन्होंने इस दफा जो है वो मॉरिशियस को भी इंक्लूड किया है। अच्छा, पाकिस्तान भी तो एक मैरिटाइम नेशन है, हमारी भी तो नेवी है, लेकिन इंडिया ने किस तरह खूबसूरती से पाकिस्तान को माइनस कर दिया है। और पाकिस्तान की खूबसूरती है कि पाकिस्तान को पता ही नहीं उधर हो क्या रहा है। हम लड़ रहे हैं एट होम, लेकिन उधर देखें कि आपने इंडिया ने किस तरह अपने आप को विद स्टेबल पॉलिटिकल पार, देखें नरेंद्र मोदी साहब जो हैं कि यूपी में और इलाकों में भी वो इलेक्शन जीत रहे हैं, तो दैट गिव्स बेसिकली सिग्नलिंग कि 2024 में नरेंद्र मोदी साहब वापस पावर में आएंगे। पहली बार मेरे किसी को वजीर आजम है जिन्होंने उनकी आंख में आंख डाल के बात की है और बताया है कि हमारी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकती है, हमारी अपनी पॉलिसी हो सकती है, हम किसी के मोहताज नहीं है। इसमें एक मसला है। दूसरी चीज ये है कि खान साहब को भी सोचना चाहिए था कि फॉरेन पॉलिसी के ये इशू पब्लिक जलसों में नहीं आप बोलते, उनके बारे में नारा नहीं लगाते। इमरान खान कल के जाते आज जाएं, अगर इतनी तोड़फोड़ हो रही है, इतना नुकसान हो गया कि यूरोपियन यूनियन खड़ी हो गई है, तो जरूर जाएं। और इंडिया का इन्फ्लुएंस अब से नहीं है, इंडिया का इन्फ्लुएंस तो 30-40 साल से वैसे ही पाकिस्तान से ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, इमरान खान को अपनी सरकार खतरे में दिख रही है। पाकिस्तान की अपोजिशन इमरान खान को हटाने में लगी हुई है, वहीं भारत में बीजेपी और मजबूत होती दिख रही है। बीजेपी ने हालिया चुनावों में 4 राज्यों में जीत हासिल की है। पाकिस्तानों को अब लग रहा है कि कहीं 2024 में भी बीजेपी वापस आ गई तो पाकिस्तान के लिए और बुरा हाल हो जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान की नीतियों से भी खुश नहीं है। वहाँ पर अपोजिशन और सरकार आपस में ही लड़ रहे हैं और यहाँ इंडिया पूरी दुनिया में अपनी इमेज बढ़ाता जा रहा है। पाकिस्तान मीडिया भी अब इमरान खान की नीतियों से परेशान आ चुकी है, तो इसी डिबेट को लेकर आगे वीडियो में चर्चा की हुई है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, इन्होंने बेसिकली एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है वो कंप्राइज किया हुआ है, बनाया हुआ है, एक फोरम बनाया हुआ है, जिसमें इन्होंने इस दफा जो है वो मॉरिशियस को भी इंक्लूड किया है एज इसका चौथा मेंबर के तौर पे, जबकि बांग्लादेश और सीशेल्स जो है, सीशेल एक ईस्ट अफ्रीकन मुल्क है, उसको भी उन्होंने एज ए ऑब्जर्वर ग्रुप इंक्लूड किया। सिक्योरिटी के हवाले से, काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो कोऑपरेशन है वो सारा इधर होगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि वो भारत जो कह रहा है कि वो मैरीटाइम नेशंस जो हैं वो एक मैरीटाइम नेबर्स जो हैं उनको साथ लेके चलेंगे। अच्छा, पाकिस्तान भी तो एक मैरीटाइम नेशन है, हमारी भी तो नेवी है, लेकिन इंडिया ने किस तरह खूबसूरती से पाकिस्तान को माइनस कर दिया है। देखें अभी फॉर एग्जाम्पल इस दफा बांग्लादेश को उन्होंने एज ए ऑब्जर्वर डाल लिया। मॉरिशियस ठीक है, वो एक अफ्रीका, वो इंडियन ओशन का एक कंट्री है, उसकी उन्होंने रेलिवेंस को बरकरार रखा हुआ है। सो इंडिया जो है वो वेस्ट एशिया से, यानी कि साउथ एशिया से निकल के उसने अपने आप को प्योरली इंडो पैसिफिक में ले गया है। और पाकिस्तान की खूबसूरती यह है कि पाकिस्तान को पता ही नहीं उधर हो क्या रहा है। अगर आप पाकिस्तान को, हम लड़ रहे हैं एट होम, हमारे सदर साहब बलूचिस्तान में जाते हैं, वहां दहशतगर्दी के हमले हो जाते हैं, एक हफ्ते में दूसरा दहशतगर्दी का हमला हो रहा है, इंटरनली हम लड़ रहे हैं। अब इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत दोवल साहब, उन्होंने बेसिकली ये जारी बात है, ही इज एन आर्किटेक्ट बिहाइंड ऑल दिस, कि किस तरह जो है वो रिलेशनशिप को मैरीटाइम नेबर्स को किस तरह इकट्ठा करना है और चैलेंजेस को किस तरह करना है, और वो कह रहे हैं कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। अच्छा, एक तरफ इंडिया जो है बड़ा खूबसूरती से क्वाड के अंदर अपनी एक ग्रेट पावर्स के साथ अपने आप को सिंक कर रहा है, वहां से इंडिया जो है अपनी एक रीजनल जो अप्रोच है उसको भी ले रहा है। अब जो मेरे लिए जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जिस तरह के दोस्तों मैंने इसको रेज किया है कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब को तो पता ही नहीं है कि ये कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग क्या है, सो ये हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम चल रहे हैं, लेकिन इधर देखें कि आपने इंडिया ने किस तरह अपने आप को विद स्टेबल पॉलिटिकल पार, देखें नरेंद्र मोदी साहब जो हैं कि यूपी में और इलाकों में भी वो इलेक्शन जीत रहे हैं, और पर्टिकुलरली अगर वो यूपी को समझा जाता है कि जी वहां से अगर आप इलेक्शन जीते हैं, दैट इज नोन एज अ सेमीफाइनल्स, तो दैट गिव्स बेसिकली सिग्नलिंग कि 2023 में जो है वो या 24 में नरेंद्र मोदी साहब वापस पावर में आएंगे। अच्छा, ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये दैट गिव्स इंडिया अ स्टेबल फॉरेन पॉलिसी। हमारे यहाँ पे लीडरान का मसला ये है कि उनके पास जब 2/3 मेजोरिटी नहीं होती या सिंपल मेजोरिटी भी नहीं होती, तो वो सारा टाइम जिसे कहते हैं तलवार उनके ऊपर लटक रही रहती है। नरेंद्र मोदी को इस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो अपने फॉरेन पॉलिसी के कार्ड्स वो अच्छे से खेल रहे हैं।
हम उधर यूक्रेन से भी डरे हुए हैं, हम रशिया से डरे हुए हैं, हम अमेरिका से डरे हुए हैं। हमें पता है कि भाई एक तरफ इमरान खान साहब को पता है कि मैं इलेक्शन जो अगर हार जाता हूँ या मैं इलेक्शन मैंने परफॉर्म नहीं किया डोमेस्टिकली तो मैं क्या करूँ, मैं एंटी वेस्ट स्टेटमेंट देनी शुरू कर दूँ। इमरान खान साहब के फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे भाई साहब आपको इस तरह के स्टेटमेंट्स पब्लिक में नहीं दिया करते, आप क्या कर रहे हैं, क्यों हमारी जो 7-8 बिलियन डॉलर की यूरो की जो हमारी एक्सपोर्ट है वो भी बंद करवानी है, हमारे लिए और मसाइल पैदा कर देते हैं। जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास पावर नहीं होती, वीक मेजोरिटी होती है, थिन मेजोरिटी होती है। दरअसल यूरोपीय यूनियन के खत के जवाब ने जो वजीर आजम साहब ने जलसे में खिताब के दौरान कहा कि यूरोपीय यूनियन से पूछता हूँ कि जो खत आपने हमें लिखा है क्या वो आपने भारत को भी लिखा है। इमरान खान साहब ने यूरोपीय सफीरों से सवाल किया था कि जी क्या हम आपके गुलाम हैं, क्या आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। पहली बार मेरे किसी को वजीर आजम है जिन्होंने उनकी आंख में आंख डाल के बात की है और बताया है कि हमारी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकती है, हमारी अपनी पॉलिसी हो सकती है, हम किसी के मोहताज नहीं है। इसमें एक मसला है, प्रॉब्लम ये थी कि पहली बात तो ये कि मगरबी दुनिया को, अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को हमसे ना सुनने की कोई भी आदत नहीं, उनको हमेशा यहाँ से हम लोग हाँ करते रहे हैं और उनसे डू मोर सुनते रहे हैं, फिर डू मोर पे भी अमल करते रहे। दूसरी चीज ये है कि खान साहब को भी सोचना चाहिए था कि फॉरेन पॉलिसी के ये इशू पब्लिक जलसों में नहीं आप बोलते, उनके बारे में नारा नहीं लगाते, ये सुपर पावर को एक चीज जो वैसे हजम नहीं हो रही वो अपने इंसल्ट मजीद जो इंसल्ट आप करेंगे वो बर्दाश्त नहीं करेगा। यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से लगता है कि आपके अपने अंदर मुल्क के अंदर जो इंतशार है उससे फायदा उठा रही हैं बैरूनी कुव्वतें। ये अकल की बात है कि जो कुछ किया है इस हुकूमत ने आजाद पॉलिसी को फॉलो करने के लिए हकीकतन वो पाकिस्तान के लिए एक इज्जत का बायस है, लेकिन जिन लोगों को तकलीफ जिन मुल्कों को पहुंची है वो आपके पीछे लगेंगे। और हमें चाहिए था कि फॉरेन ऑफिस को कहते कि आप इसका इफेक्ट कम से कम करें, वो एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में एक तरीके से बातचीत आके चलाते बजाय इसके कि हम जनते में शोर करते। और खाजा पॉलिसी जज्बात से नहीं चलती, ये बहुत कोल्ड ब्लडेड होती है, बहुत ज्यादा जहनी तौर पर इसको ठंडा लेना पड़ता है इसको। जब सियासत हो सकती है किसी के गर्दन पकड़ने की बात कर लें, किसी का सर तोड़ने की बात कर लें प्राइम मिनिस्टर, वो तो हो सकता है, लेकिन आप किसी को लड़का नहीं सकते जलसे में खड़े होकर। हम जेरे नगी हैं, हम कर्ज ख्वाह हैं, हम कर्जदार हैं, हम कर्ज मांगते फिरते हैं, हम कशकोल लिए घूमते फिरते हैं, हम जिनकी बात करते हैं जिन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। मेरा ख्याल ये है कि शौकत तरीन साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये फोरम जो मैंने उस दिन कहा था कि ये फोरम खारजा पॉलिसी है बात करने का नहीं था। आप देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल लैंडस्केप जो पहले ही कोई बहुत खूबसूरत नहीं था किस तरफ जा रहा है, कितना बदसूरत हो रहा है। बात ये इट्स अबाउट योर कंट्री, होश में आए, चाहे पीपल्स पार्टी आए, चाहे नून लीग आए, जो भी आए, सर आंखों पे अगर मुल्क की खिदमत करती है। इमरान खान कल के जाते आज जाएं, अगर इतनी तोड़फोड़ हो रही है, इतना नुकसान हो गया कि यूरोपियन यूनियन खड़ी हो गई है, तो ज़रूर जाएं।